अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत आपकी ठीक है? मैं हूं मोहम्मद आसिफ प्लम्बर और आप देख रहे हैं चैनल प्लम्बर फॉर यू। आज हम आपको बताएंगे जीआई फिटिंग क्या होती है, कहां कहां पे लगती है, इसके आइटम के नाम बताएंगे आप। पहले हमने बताया था आपको पीपीआरसी फिटिंग के बारे में और उसके नाम, अभी आपको बताएंगे कि जीआई फिटिंग के नाम और ये कहाँ कहाँ पे लगते हैं, क्या चीज़ है। सबसे पहले आ जाता है इसका पैप, ये 3/4 का पैप है, ये आधी से शुरू हो होता है 1/2, 3/4 इंची, सभी 1.5, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरह इसमें पैप निपल हो जिसको बोलते हैं, ये पैप निपल है, ठीक है। ठीक है, इसमें ये पैप निपल हो गया। उसके बाद आ जाता है साकेट 3/4, ये भी ऐसे ही 1/2, 3/4 और इंची से ऊपर सारे दो 4 इंची तक मिल जाते हैं साकेट। जीआई की फिटिंग है ये, 4 इंची के साकेट होगा। उसके बाद ये आ जाता है एल्बो, जीआई का एल्बो है 3/4, ठीक है, ये भी 1/2 से लेके ऊपर 4 तक जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है टी, ठीक है, इसको बोलते हैं टी, ये भी 1/2 से लेके ऊपर 2 इंच तक जाती है। उसके बाद सर आ जाता है ये पंप नोज़ल, ठीक है, ये पंप नोज़ल होगी, ये भी 3/4 आधी से लेके ये भी 4 तक जाती है। उसके बाद आता है यूनियन, ये 3/4, ठीक है, यूनियन है 3/4 का, ये भी इसी तरह आधी से लेके 4 इंच तक जाता है। उसके बाद आ जाता है प्लग, इसको बंद प्लग कहते हैं, ठीक है, 3/4, ये भी ऐसे ही शुरू हो जाता है तकरीबन आधी से लेके 4 तक जाता है। ये रिटर्न वाल है जीआई में, ठीक है, रिटर्न वाल का काम होता है कि पानी इसमें से गुजरता है फिर वापस नहीं होता, ठीक है, 3/4, ये भी 3/4 आधी से लेके 4 तक ये भी होता है। उसके बाद बोलते हैं फीमेल साकेट, एफएम भी बोलते हैं, फीमेल साकेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके साकेट ये रिड्यूस साकेट बोलते हैं, ये है आधी पे पौनी, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं बैरनिप्पल, बैरनिप्पल भी यही आधी से लेके तकरीबन जाता है 4 तक, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं रिड्यूस टी, ठीक है, रिड्यूस टी भी ऐसे ही आधी से लेकर उसे, और ये सामान सारा जीआई की सामान है, इसके ये सामान के नाम